नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाऊंगा इसके कंसेप्ट को भी। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पाते हैं। सर आप प्रॉपर्टी बता देते हो लेकिन दूसरे क्वेश्चन प्रॉपर्टी फिर समझ में नहीं आती, क्या लगाएंगे। ये जनरली अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो नीचे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। जरा इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे कैसे प्रॉपर्टी लगती हैं, कैसे प्रॉपर्टी काम करती हैं, ठीक है ना। इन बातों को जरा समझ लेते हैं, बहुत ईमानदारी समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल बात जीरो से स्टार्ट करूँगा। स्टूडेंट मुझे इसे सॉल्व करके इतना लाना है बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी। अब डिटरमिनेंट में हम कर क्या सकते हैं? डिटरमिनेंट हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन या तो एक रो में होता है या क्या होता है, एक कॉलम में होता है। ऐसा नहीं है मैट्रिक्स की तरह सभी एलिमेंटों मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये नंबर कैसे आए। जब तक ये नंबर कॉमन नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या किया जाए। देखिए यहाँ पर ए अवेलेबल है, यहाँ पर ए अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या करूँ कि डेल्टा मेरे पास ये डिटरमिनेंट जो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ए स्क्वायर है प्लस वन है, ये ए बी है और ये ए सी है, ये ए बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ सी ए है, यहाँ सी बी और यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन है। अब हो सकता है कि मेरे को पता हो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, लेकिन आपके दिमाग में बात कैसे आएगी, ठीक है। समस्या ये भी है, तो जरा आप ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इंटू बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में आंसर नहीं चाहिए, यहाँ पर खाली स्क्वायर्स हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो मल्टीपल फॉर्मेट है वो हटानी पड़ेगी। किस तरह से हटाने का मतलब है, वो चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी। भाई जब तक यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा तब तक ये चीज़ हटेगी नहीं, राइट। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कॉमन कैसे आए। तो जरा यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा यहाँ पर तो ए नहीं है, यहाँ से कॉमन कैसे आएगा। तो क्या करें कि पहले हम इस रो में हम आर वन पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ठीक है ना। आर पर एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई ए इन आर वन। देखो यहां पर बी है और यहां पर बी है, तो बी इन आर टू एंड सी इन आर थ्री। देखो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट, बाहर उस नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर, तो बाहर उसी नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। कहने का मतलब है कि ये डेल्टा हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा कि आपने ए से मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये ए ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बी आ जाएगा और ये ए स्क्वायर सी आ जाएगा। लेकिन आपको बाहर क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ए से, ठीक है, तभी डिटरमिनेंट सेम रहेगा। ऐसा नहीं आपने खाली मल्टीप्लाई करा और इधर डिवाइड ही नहीं करा, तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाई ए इन आर वन, बी इन आर टू एंड सी इन आर थ्री। तो बाहर क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी से डिवाइड करना होगा। तो आप बी से मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो बी से डिवाइड करोगे, तो बी से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी आ जाएगा। बस में आ रही है। उसी तरह से हमने क्या करा कि सी का मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए आ जाएगा और सी से यहाँ पर बार डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बी आ जाएगा और यहाँ सी सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा। ये कंडीशन आ गई नहीं आ गई, ठीक है ना। आपने क्या करा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करा, इसमें बी से मल्टीप्लाई करा, इसमें सी से मल्टीप्लाई करा। अब आप ये कह सकते हो सर हमारे दिमाग में बात कैसे आएगी, आपको तो पता था इसलिए आपने लगा दिया। सीधा सा जवाब यह है, मैं बता दूं कि बात को कुछ इधर भी सोचना है आपको कि आपको जाना कहाँ पर है, यही पता होना चाहिए। आप ये देखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई नंबर है ए इंटू बी में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो इंटू फॉर्मेट है वो आपको हटा के स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा कोई चीज़ कॉमन कैसे आए। अब आपके पास यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, तो आपने क्या करा, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। नीचे बीच बी से इसमें क्या कर दिया, सी से मल्टीप्लाई करा। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा बाहर उसी नंबर से क्या करना पड़ा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है।
कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बाहर उसी नंबर से क्या करिए डिवाइड करिए। अब आप क्या ले सकते हो, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से ए कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बी कॉमन ले सकते हो और यहाँ से आप सी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने का मतलब है कि आप एक रो से या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो जब आपने यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ से बी कॉमन लिया, तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर आपके पास ए बी सी अपॉन नीचे ए बी सी तो था ही भाई, ए ऊपर आ गया, ये बी भी ऊपर आ जाएगा और सी भी ऊपर आ जाएगा कॉमन लेंगे तो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन, क्यों, ए तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से बी कॉमन लूँगा तो यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस वन आएगा और यहाँ से सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से सी कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर रहेगा और सी स्क्वायर प्लस वन रहेगा, इस तरह से नंबर आएगा। अब देखो ये चीज़ आपके पास क्या हुई, कैंसिल हो गई, ठीक है ना। आप एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, क्यों जगह नहीं है इस पर, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको। अब आपके पास डिटरमिनेंट इतना बन गया, डेल्टा आपके पास इतना बन गया। अब आपको सोचना है क्या लाना क्या था, हमें वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना था। तो जरा देखिए ये पूरी आर बने, यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें, यहाँ पर इसको ऐड कर दें और यहाँ पर इसको ऐड कर दें, तो ऊपर रो में क्या बन जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। हम आर वन पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये आर वन बदलेगा और इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी जाएंगी। तो R1 हमारे पास ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, ये R पे ऑपरेशन लग रहे हैं यार, इधर से ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं तो C पे ऑपरेशन लगते हैं, कॉलम पे ऑपरेशन लगते हैं। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बस सुनिए, तो यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ रहेगा बी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ रहेगा सी स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा सी स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा सी स्क्वायर प्लस वन रहेगा, ठीक है। जब एक जैसा नंबर किसी रो या कॉलम में आ सकता है तो आप उसे कॉमन ले सकते हो। आप देख रहे हैं कि तीनों नंबर कैसे हैं, सेम है, आप यहाँ से क्या ले लो, सॉरी कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना रहेगा। अब अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर रहेगा और सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ वन रहेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस वन रहेगा और यहाँ सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा और यहाँ पर बी स्क्वायर रहेगा और यहाँ क्या रहेगा सी स्क्वायर प्लस वन रहेगा, ठीक है। अभी भी हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक मेथड और है। आप सोचें कि एक रो में और एक कॉलम में दो एलिमेंट आपको कम से कम जीरो बनाने होते हैं, दो एलिमेंट जीरो बनाने होते हैं, उसके बाद उसको एक्सपेंड करना होता है। तो आप क्या करें, इन दोनों नंबरों को जीरो बना लो, तो आप इसमें से इसको माइनस करो, कहने का मतलब है कि C2 पर एक ऑपरेशन लगा दो, C2 माइनस C1 और C3 पर एक ऑपरेशन लगा दो, C3 माइनस C1, कहने का मतलब है ये पूरा C2 है और ये C1 है, ये C3 है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, C2, C3 में से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। तो क्या आएगा, ये डेल्टा आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या रहेगा C1 एज इट रहेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जीरो रहेगा, ये 1 रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा और ये बन रहेगा, समझ रहे हो ना। बन में से बन माइनस करेंगे जीरो, इसको माइनस करेंगे इसमें तो बन बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, इसको माइनस करेंगे इसमें से जीरो आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वन आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब आपके पास ये दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं ना, ये दो एलिमेंट और ये एलिमेंट एक बच रहा है। अब खाली आप इसके अकॉर्डिंग से क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जब एक एलिमेंट बचता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ये तो एज इट चलेगा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहेगा और वन एक्सपेंड करोगे तो ये एलिमेंट लिखोगे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वन था ना, वन ब्रैकेट
इसका मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, जो भाई आपकी ये रो छोड़ दी, आपने ये रो छोड़ दी, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करिए तो वन माइनस, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करिए जीरो, तो कितना आ गया, ये आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना आ गया वन। हैंस आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। बात समझ आ गई आपके, बहुत अच्छी तरह से क्लियर है ना, ठीक है। आप जरूर इस तरह के क्वेश्चनों की करने की प्रैक्टिस करेंगे तो विश्वास करिए आपको बहुत अच्छी तरह बातें समझ आ जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यदि मेरी बात समझ में आ गई है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए मेरे कहने से, ठीक है। और यदि बात समझ में आ गई तो लाइक बटन पर क्लिक करिए, और नहीं समझ आए तो डिसलाइक पर क्लिक करिए, लेकिन क्लिक जरूर करिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।